रिसेंटली एक फिल्म रिलीज हुई है मौला जट, उससे जो पाकिस्तानी सिनेमाज हैं उसमें जो ऑडियंस है उनकी तादाद बढ़ रही है, और ऐसे इलाकों में भी सिनेमाज खुले हैं जहाँ काफ़ी अच्छे से बंद पड़े थे, तो आपको क्या मौला जट से, मौला जट की ऑडियंस से फ़ायदा होगा ज़रार फिल्म को, या आपकी अलहदा ऑडियंस है? जी आई थिंक जो ये प्रोसेस जिस इंडस्ट्री की आप बात कर रहे हैं, इसका प्रोसेस वार से स्टार्ट हुआ था। वार वॉज द फर्स्ट फिल्म दैट ब्रोक दैट बैरियर। उससे हुआ ये कि आज 10 साल बाद या 15 साल बाद वो डेवलप इतना हो गया कि वो सारा मार्केट शेयर जो है वो डबल हो गया। सो आपकी पाकिस्तान की एक इंट्रोडक्शन जो थी एक फिल्म मेकिंग की, वो आप करा चुके थे। सो आई थिंक उसके बीच में बहुत बड़ा गैप था, बिकॉज हमारे बहुत से टेलीविजन के जो डायरेक्टर हैं वो फिल्म के डायरेक्टर्स बन गए, उससे वो फिर सिनेमैटिक फील जो थी वो मिसिंग थी। तो आई थिंक वो सिनेमैटिक फील जब दोबारा सिनेमा में आके मैच की, तो आपके नंबर्स दोबारा बड़े हो गए। और जहाँ तक लेजेंड ऑफ मौला जट का ताल्लुक है, आई थिंक पाकिस्तान की हर फिल्म, चाहे वो पहली मौला जट हो या आखिरी मौला जट हो, इट हैज़ डन वंडर्स फॉर पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री। तो मुझे लगता है कि हमें पिछली मौला जट को भी ये क्रेडिट देना चाहिए कि अगर हमें आज आपने पहली बार अपनी बुनियादों में हाथ डाला और स्क्रिप्ट निकाला, तो उसका वही रिजल्ट निकला जो पहली का निकला था। सो सिनेमैटिक राइटर्स, आज भी आप अपने माजी को नया करके पेश कर रहे हैं, तो इसका इससे तय ये हुआ कि आपके जो फिल्म के जो स्क्रिप्ट्स हैं, उनके राइटर्स, उनके स्क्रीन प्ले राइटर्स, उनके डायलॉग राइटर्स, उनके एडिटर्स आर अ डिफरेंट ब्रीड। कैमरा एक करने से, बदलने से बात नहीं बदलती। उसी ग्राउंड में T20 मैच होता है, उसी ग्राउंड में टेस्ट मैच होता है, उसी ग्राउंड में वन डे होता है। फिल्म जो है वो T20 है। आज आपके वन डे के प्लेयर्स जो हैं वो T20 में इसलिए नहीं चल रहे क्योंकि वो वन डे के बहुत बड़े प्लेयर्स हैं। सो हमें एक दूसरे की बाउंड्रीज और अपने अपने जंगल में अपने अपने एरिए को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। मेरे लिए बड़ा आसान है कि मैं टेलीविज़न कर लूँ, लेकिन मैं अगर मैं टेलीविज़न करूँगा तो मैं कम से कम 3 महीने 4 महीने देखूँगा कि टेलीविज़न में क्या 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 डायमेंशन है जो मैं कर सकता हूँ। सो गिविंग रिस्पेक्ट, परवेज करीम साहब बैठे हैं, ये राइटर हैं, इनके असूल फिल्म लिखने के पुराने नहीं हो सकते। हाँ, कहानी पुरानी हो सकती, फिल्म लिखने के असूल पुराने नहीं हो सकते। सो मुझे लगता है कि ये कैंप जो छोटे छोटे हमने कैंप बना लिए हैं, छोटे छोटे गांव ज़िले ये बना लिए हैं, हमें जब तक हम पाकिस्तानियत की बात नहीं करेंगे, आप अपने माजी को आज के फ्यूचर में नहीं लेके आएंगे। आज भी आपकी करेंसी पे तस्वीर कायदे आज़म की है, उसके बाद 600 प्राइम मिनिस्टर आए, किसी और की तो नहीं है। सो आपके माजी के साथ आपको कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। सो आई थिंक लेजेंड ऑफ मौला जट ने एक्सटर्नली और इंटरनली ये प्रूव किया। और जहाँ तक वार का ताल्लुक है या और जो जॉनरा फिल्म्स का स्टार्ट हुआ, वो बड़ा अच्छा है। सो मुझे लगता है कि इस अपॉर्चुनिटी को कैश इन करना चाहिए। आई थिंक इस टीम को, ऐसे और राइटर्स को जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में पहले काम कर चुके हैं, अनलेस आपका फोकस अ बेटर स्ट्रॉन्गर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री होगी, ये तब तक हो सकता है। अगर मेरा फोकस ये है कि अ बेटर स्ट्रॉन्गर मी, तो वो नहीं हो सकेगा। फिर वो एक इधर से आएगी फिल्म, फिर एक उधर से आएगी, फिर एक। सो आई थिंक कलेक्टिवली हमें इकट्ठे होना पड़ेगा।